कि क्या दोनों के शेल्फ लाइफ में डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी 24 मंथ्स तक चलता है, ये 36 मंथ तक चलता है। रैशेज हो रहे थे वो यूवी रेस की वजह से, क्योंकि मैंने इसमें सनस्क्रीन नहीं अप्लाई की हुई थी और उसमें बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जो मेरी आज की वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे रोज वाटर या रोज टोनर, आप उसको कह सकते हो, वो एज ए टोनर एज ए रोज वाटर सेम ही चीज होती है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है और किसको आप क्विट कर सकते हैं, क्योंकि रोज टोनर तो आपके स्किन केयर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना स्किन केयर करती हैं और आपने उसमें कोई भी रोज वाटर नहीं रखा है तो आपका स्किन केयर अच्छे से नहीं होगा। अगर स्किन केयर में रोज टोनर एक आपने रख लिया तो आपका स्किन केयर जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। एक रोज टोनर तो होना ही होना चाहिए। तो उसी पे मेरी आज की वीडियो है कि कौन सा वाला आप रख सकते हैं और कौन सा वाला आप छोड़ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। तो जिन दो रोज टोनर की बात मैं कर रही हूँ वो है एक तो रिकोट का ये रोज वाटर, जो मेरी वीडियो में अक्सर आता रहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको ऐसे ही लेकर आती हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पास है तो मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, या मेरे पास है तो मैं इसी का बार बार रिव्यू करती हूँ। इसमें कुछ बात ऐसी है इसीलिए मैं इसका रिव्यू करती हूँ। इसके बारे में मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताऊंगी। इसके बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं कि मैं इसको क्यों हमेशा सजेस्ट करती हूँ, बार बार क्यों शो करती हूँ कि इसको अपने स्किन केयर में रखिए रखिए, इसका मतलब क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। जो दूसरा रोज टोनर मेरे पास है वो है ये कामा आयुर्वेदा का। ये इतना सही है बट मैंने इसको यूज किया है और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कैसा टोनर है और ये स्किन पे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात इसी की करते हैं, कामा आयुर्वेदा के रोज टोनर के बारे में। तो जो ये वाला रोज टोनर है ये बल्गेरियन रोजेस के सिमिलर होते हैं, कनुच के जो रोजेस हैं उनसे बना होता है और ये स्टीम डिस्टिल होता है। तो जो स्टीम डिस्टिल प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है और उससे क्या होता है ना, प्योरिटी हाइजीन जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सब मेंटेन रहता है और जितना भी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसी में रहते हैं। जैसे हम कोई और प्रोसेस अगर करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे हम घर में अगर रोज वाटर बनाते हैं तो उसके कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं वो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, फिर उसके अंदर आपको और चीजें ऐड करनी पड़ती है वो बेनिफिट्स लाने के लिए। मगर जब स्टीम डिस्टिल्ड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी ये जो रोज वाटर है ये बहुत ज्यादा हाइजीन तरीके से बनाया गया है, इसका पीएच लेवल बहुत अच्छा है और जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं वो आपकी स्किन को मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि ये स्टीम डिस्टिल है। इसका काम क्या है, इन्होंने बता रखा है कि ये पोर्स को मिनिमाइज करता है और ये स्पेशली बनाया गया है जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, जिनकी स्किन ऑयली है, ये उस पे ज्यादा अच्छे से काम करता है। स्पेशल ये उनी स्किन वालों के लिए है, इसमें ये लिखा गया है कि जिनकी स्किन में एक्ने हैं, जिनकी स्किन ज्यादा ऑयली है, वो लोग ये कामा आयुर्वेदा का टोनर यूज कर सकते हैं और ये टोनर भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ये पैराबन फ्री है, सल्फेट फ्री है और क्रुएलिटी फ्री है, इट्स अ वेगन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कैसी बॉटल में आता है, प्लास्टिक की बॉटल में आता है, ऊपर एक कैप दी है, स्प्रे फॉर्म में है, आपको बॉटल खोलनी है और जस्ट स्प्रे करना है। लेकिन कामा आयुर्वेदे का जो ये वाला है इसे मेकअप के बीच में स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने इसे कभी भी मेकअप के बीच में स्प्रे नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है ये स्किन केयर के लिए ज्यादा बेनिफिट है, ये उसी साइड पे रहता है, मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई यूज करता है आई डोंट नो। सेकेंड हम लोग बात करते हैं रिकोट के रोज वाटर की। ये भी स्टीम डिस्टिल वाटर है, ये भी अल्कोहल फ्री है, ये हर स्किन टाइप पे लगता है और इसमें लिखा गया है कि ओवर द टाइम, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 36 मंथ होती है, तो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपके पास ये रहता है। अगर आप इसे यूज नहीं करते तो हो सकता है इसका कलर चेंज हो जाए एक दो साल के अंदर, और लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। जो भी नेचुरल चीज होती है वो कुछ टाइम के बाद अपना कलर चेंज कर देती है, मगर ऐसा नहीं है कि उनके बेनिफिट्स भी खत्म हो जाते हैं, उनके बेनिफिट्स वहीं के वहीं रहते हैं। अब रही बात ये कौन से लोग लगा सकते हैं, ये सारे स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं लिखा है कि ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए। सबसे अच्छी बात इसमें ये है, कामा वाला बेसिक स्पेशली वो उन ऑयली स्किन और एक्ने वाली स्किन के लिए, बट ये सब स्किन वाले यूज कर सकते हैं। मेरी स्किन ड्राई है, मैं इसको यूज करती हूँ, सेकेंड या थर्ड बॉटल है वो भी यहां तक पहुंच चुकी है, हमेशा मेरे पास रहता है। ये भी पैराबन फ्री है, सल्फेट फ्री है, ये भी वेगन है और ये भी नेचुरल तरीके से बनाया गया है, दोनों में ही सिमिलैरिटी है।
बट बात करें रिकोर्ट की, तो रिकोर्ट का ये जो टोनर है ये आप मेकअप के बीच में भी स्प्रे कर सकते हो। इसकी बॉटल भी प्लास्टिक की आती है, इसी तरह से प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है, स्प्रे फॉर्म में है, यू कैन स्प्रे, और ये मेकअप के बीच में आप स्प्रे कर सकते हैं। अब मेकअप के बीच में स्प्रे करने का क्या बेनिफिट होता है, कहीं पे पैचेस पड़े हैं, कहीं से फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं है, इसको मेल्ट करता है और फाउंडेशन को सेटल डाउन कर देता है आपकी स्किन पे। तो अब बात करते हैं कि ड्रॉबैक्स कहाँ पे हैं। तो बात ये है कि दोनों की क्वालिटी अच्छी है, दोनों ही सल्फेट फ्री हैं, क्रुएल्टी फ्री हैं, पैराबेन फ्री हैं, कोई अल्कोहल नहीं है इनमें। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि ये 1400 में 200 ml मिलता है आपको, 1400 समथिंग बक्स में ये आता है 200 ml, और वही रिकोर्ट का जो है ये आता है आपका 200 ml जस्ट 445 rupees में। ह्यूज डिफरेंस, चीज सेम मिल रही है, प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है। ये तो मैंने एक ये मेरा इसका रिव्यू है, मैंने इसका रिव्यू किया है, मैंने पूरा एक पैक सा खरीदा था जिसमें सब इसके ना सारे सैंपल्स आए थे, उसमें ये आया था, और ये आई थिंक 245 rupees का इतना सा है, ये 245 rupees का बस इतना है। कितने ml है ये, 25 ml, सिर्फ 25 ml है ये, और ये इसका प्राइस है 245 rupees, ठीक है। और मैंने तो ये पूरा एक पैक में लिया था, और ये 200 ml 445 rupees का है, मतलब इतनी बड़ी बॉटल आपको मिलेगी 200 ml की जस्ट फॉर 445 rupees। बेनिफिट सेम है, चीजें सेम यूज की गई है, प्रोसेस सेम है दोनों का। एक को मेकअप के बीच में लगा सकते हैं, आई डोंट नो, बट इसको मेकअप के बीच में आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मेकअप के बीच में यूज करती हूँ, और मेकअप के बाद भी मैं इसको अपनी स्किन पे यूज करती हूँ। अभी आप लोगों के सामने मैंने इसे स्किन पे स्प्रे किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मेकअप को, मेकअप और ज्यादा इवन आउट हो जाता है आपकी स्किन पे। अब रही बात पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बॉटल प्लास्टिक की है और दोनों ही स्प्रे फॉर्म में है। अगर ये 1400 समथिंग में आपको स्प्रे फॉर्म में मिल रहा है, तो ये 445 rupees में भी आपको स्प्रे फॉर्म में ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉटन पैड पे लेके इसको लगाना पड़ेगा। तो वाई दिस एंड वाई नॉट, अब पॉइंट इस पॉइंट पे आते हैं कि क्या दोनों के शेल्फ लाइफ में डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी 24 months तक चलता है, ये 36 months तक चलता है। तो 1400 फॉर 2 years एंड, तो 1400 फॉर 2 years एंड 445 फॉर 3 years। एंड सेकेंड थिंग, जब इस प्राइस रेंज में आपको ये मिलता है ना, तो आप दिन में 2-3 बार स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जब 1400 का मिलेगा ना, बिलीव मी आप स्टक हो जाओगे कि आप इसको सिर्फ स्किन केयर में यूज करोगे, क्योंकि इट्स वेरी कॉस्टली। तो अगर सिर्फ स्किन केयर के लिए लेना चाहते हैं तो ले ले, लेकिन अगर मेकअप में भी यूज करना चाहते हैं, दोनों टाइम अप्लाई करना चाहते हैं सुबह शाम, और बीच में भी कभी कभी स्प्रे करना चाहते हैं, तो ये वाला लीजिए, क्योंकि ये इसके बेनिफिट्स और बेनिफिट्स तो दोनों के सेम है। तो अब बात करते हैं एक चीज की जिसमें ये टेस्ट किया मैंने से, और ये बहुत अच्छे से पास हो गया प्रोडक्ट। वो ये था कि मैं कुछ दिनों से मॉर्निंग में वॉक के लिए जाती हूँ, और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में मैंने इतना लॉन्ग टाइम कभी भी बाहर ऐसे सन में इतना टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया, क्योंकि मैं फेस पे अच्छे से सनस्क्रीन लगा लेती थी, मगर आर्म्स में यूजली हम नहीं लगाते हैं, तो मैंने भी नहीं लगाई, इतना नहीं मेरे माइंड में था कि मैं इसको भी अच्छे से अप्लाई करूँ। तो रैशेस से हो रहे थे रेड रेड कलर के, इस जगह पे और इस जगह पे, दोनों आर्म्स पे थे मुझे। तो मैंने ये रोज टोनर लिया और उस पर स्प्रे कर दिया, बस ऐसे ही कि थोड़ा सा मुझे ना ठंडा ठंडा फील हो। तो जब मैंने इसमें स्प्रे किया, तो मैंने सुबह भी स्प्रे किया तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, मैंने शाम को स्प्रे किया तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, एंड ट्रस्ट मी सेकेंड डे वो बिल्कुल भी नहीं थे वहां पे, और मेरी स्किन मतलब नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो गई थी, वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था इस रोज टोनर की वजह से। तो अगर आप बाहर निकलते हैं और घर में वापस आते हैं, और कहीं पे अगर सन टैनिंग हो चुकी है, रैशेज हो रहे हैं, उसके लिए तो ये रोज वाटर विद इन 1 day काम करना शुरू करता है। जो 1400 का है, क्या इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रे करोगे, तो जब बेनिफिट्स वैसे ही हैं, तो 445 rupees का इतना ज्यादा मिल रहा है, तो आप इसको कहीं पे भी स्प्रे कर सकते हो, रैशेज हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी। तो उस लिहाज से भी ये रोज वाटर ज्यादा अच्छा है। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, तो फिर अपनी चॉइस का रखो, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए रख सकते हो,
सकते हो, आपको अपनी स्किन पे ही काम करना है, तो आप इस रोज टोनर को जरूर रखें अपने स्किन केयर में भी और अपने दूसरे यूजेज में भी। आप दिन में 2-3 बार स्प्रे कीजिए, रैशेज हो रहे हैं उसमें स्प्रे कीजिए, मेकअप करने बैठी हैं पहले भी स्प्रे कीजिए, बीच में भी स्प्रे कीजिए, लास्ट में भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, आप लोगों को पता चला होगा कि पैसा वेस्ट नहीं करना है, और अगर उससे अच्छे प्राइस में कोई और चीज वैसी सेम मिल रही है तो आप वो लेंगे। और मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।